नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन इसमें एक बड़ा गुड न्यूज़ देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट से दोस्तों ये बहुत ही बड़ा आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कंपनी ने एक नया मतलब कि आप कह सकते हैं मतलब कि टेस्टिंग सेंटर खोला है दोस्तों। वो भी कितने में, लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर में दोस्तों कंपनी ने लगभग देखा है तो टेस्टिंग सेंटर खोला है, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन ऑल टाइम हाई भी टच किया। ऐसा भी नहीं दोस्तों, वहीं पर अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन था, मतलब हरे निशान लाल निशान हरे निशान में चलता रहा। लेकिन इस कंपनी की बात करते एक फ्लैट ही कारोबार किया, ना ही गिरावट ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी, फिर भी स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई के करीब ही देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों 5,000 जाना कोई इजी काम नहीं है, जो कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अगर कंपनी 3,000 के लेवल को तोड़ती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों 5,000 के लेवल को टच कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद ये करे। चुनाव के पहले दोस्तों अभी इस कंपनी से मतलब उम्मीद लगाना कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन हाँ चुनाव बाद मेरे पॉइंट से हो सकता है कि 5,000 के लेवल को भी ये कंपनी टच कर सकती है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अगर देखेंगे दोस्तों, तो आज के दिन कंपनी ने लगभग 1% के आसपास तेजी दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो खुलते स्टॉक गैप अप भी ओपन होता है। 2804 रुपये कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था, जो कि गैप अप कंपनी ओपन होती है, और कंपनी यहाँ पर लगभग 2859.60 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड होती है। उसके बाद देखा जाए तो यही कंपनी का आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो न्यूज़ आपको यहाँ पे इतना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब इस कंपनी से रिलेटेड भी आपको आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने दोस्तों मतलब कि जो एक नया डिज़ाइन और मतलब कि टेस्टिंग से रिलेटेड जो कि फैसिलिटी सेंटर खोला है, जिसके कारण स्ट्रेटेजिक इंजन की बात करें दोस्तों डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। जैसा कि आप यहां पे न्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों कि आपको देखने को मिल जाएगा। कब का न्यूज़ है दोस्तों, 29 तारीख को 8:30 से 9:30 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि रात में लेट नाइट देखने को मिलता है। उसके बाद उसका जो रिएक्शन था दोस्तों आज के दिन ही देखने को मिलने वाला था, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ ओपन ए न्यू डिज़ाइन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंजन से रिलेटेड दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 स्क्वायर फीट में इन्होंने मतलब कि बनाया है टेस्टिंग इंक्लूडेड, मतलब जो कि देखा है तो JV इंजन से रिलेटेड, इंडियन मल्टी रोल से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, जो कि देखा जाए तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ऐसा मतलब कि देखिए दोस्तों, ए न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटीज़ और एरो इंजन रिसर्च से रिलेटेड डेवलपमेंट सेंटर से रिलेटेड, मतलब जो कि देखा है तो ये सबसे बड़ा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि तो ये मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन हाँ इस टाइप की न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो डेली बेसिस पे इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिलते ही रहते हैं। तो इन सभी न्यूज़ को देख करके मतलब क्या है दोस्तों कि होता क्या है दोस्तों, देखिए न्यूज़ पॉजिटिव है तो स्टॉक भी ऑल टाइम हाई लगाता है, तो ऐसा नहीं हाई लगाने के बाद मतलब क्या है कुछ न्यूज़ बेस पे काम होते हैं दोस्तों, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाने को फिर गिरावट होती है, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिफेंस सेक्रेटरीज की बात करें, गिरधर की बात करें, तो इन्होंने बताया दोस्तों 10,000 स्क्वायर फीट इन्होंने लिया है, मतलब जो कि देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि JV इंजन से रिलेटेड काम होंगे, मल्टी इंडियन रोल से रिलेटेड काम होंगे, तो डिफेंस से रिलेटेड काम होंगे, तो ऐसा इनका मानना है। हालांकि तो अगर मैं वहीं पे बात करूं तो किससे किससे रिलेटेड काम होगा, सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे जो कि मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, गैस टरबाइन से रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रिक बेसिस पे काम होगा, मतलब 32 से रिलेटेड काम होगा, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे रिप्लेसमेंट से रिलेटेड काम होगा। तो देखा जाए तो जब न्यू फैसिलिटीज़ मतलब जो टेस्टिंग है दोस्तों साइट्स, तो उस पर देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रिसर्च भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, और रिप्लेसमेंट्स यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हुए दिख जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि मेरे पॉइंट से दोस्तों आपको क्या लगता है चाहे तो आपको कमेंट कर सकते हैं। स्टॉक में 1% की तेजी देखने को मिली, वहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो कंपनी में लगभग 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, 41% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। बताना चाहता दोस्तों, देखिए इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माल डिलीवरी में नहीं उठाया जाता, जिस दिन माल अच्छा खासा उठाया गया उस दिन स्टॉक में एक अच्छी खासी और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी के हाई की बात करें तो 1 जनवरी को कंपनी ने हाई लगाया, यहाँ पे लो की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 1 फरवरी 2023 को लगाया था, मतलब सीधा आपका पैसा डबल हो रहा है। वहीं पर अगर मैं कुछ और भी न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में कुछ मतलब कि एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ काम हुए थे, जो कि चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हुआ था। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये न्यूज़ आपको जो देखने को मिलेगा मतलब 28 तारीख को ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ मतलब कि अपडेट्स देखने को मिले थे, तो ये थोड़ा सा क्या मतलब दोस्तों, देखिए कंपनी अगर आप लेके बैठे हैं तो इस टाइप की न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर
5 से 6 सालों तक के लिए मार्केट में आ रहा है। तो इस कंपनी में बिंदास आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं, वैसे कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप कंपनी के अभी तक के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 400% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँगा ना तो लगभग ये रिटर्न जो है कि 1000% के आसपास, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1000% के आसपास रिटर्न चला जाएगा। मतलब जिन्होंने भी कोविड पीरियड में इस कंपनी में 1,00,000 रुपये लगाया होता तो आज के डेट में उसका मतलब कि 10,00,000 के आसपास होता। तो ये सभी पॉइंट भी आपको नोट करना है। मतलब 3 साल में दोस्तों पैसे को कंपनी लगभग 400% 1000% के आसपास रिटर्न बना के दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। स्टॉक में अगर गिरावट होती दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए 2500 रुपये तक आ सकती है। हालांकि तो आई भी थी बीच में, बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाइंग भी नहीं किया, तो ये थोड़ा सा उनके लिए मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब बेड ही रहा होगा, साबित हुआ होगा। हालांकि उसको तेज़ी की बात करें तो अगर ये कंपनी 3000 के लेवल को तोड़ती है, कुछ दिनों तक उसी के आसपास ट्रेड होती है, तो ये कंपनी आने वाले समय में 5000 के लेवल को भी टच करेगी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।